एक्चुअली ये राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये उनकी कठपुतली है बीजेपी की और ये स्टाम्प रबर है। भूख में रहने वाला डरने वाला राष्ट्रपति चाहिए था तो बीजेपी ने जानबूझ करके मुर्मू जी को चुना है ताकि वो चुपचाप बैठी रहेंगी और हम देश को बेच देंगे। जो देवी देवताओं की गुलामी करता हो, कभी एससी ओबीसी की आवाज ना उठाता हो, इतना कमजोर राष्ट्रपति जिसने अपने गांव में बिजली न करा पाई हो। कुछ देश कोविंद जी बिकवा गए हैं, अब कुछ देश मुर्मू जी बिकवा देंगी। हजारों करोड़ रुपया लेकर के, अरब रुपया लेकर के गुजराती भाग चुके हैं भारत छोड़ करके, और मुझे अंदेशा है कि अगर भारत में कुछ नहीं बचेगा तो अडानी अंबानी भी देश छोड़ के भाग जाएंगे। भाई राजा शासन वहां करता जहां मजे होते हैं। जब कुछ नहीं बचेगा भारत में, भारत भूखा हो जाएगा, अनाज नहीं होगा, तो आदरणीय मोदी जी भी देश छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाई एम्स इन्होंने नहीं बनाया, बड़ा कॉलेजेज इन्होंने नहीं बनाया, कोई आईटीआई नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है और उस मंदिर का जो एटीएम वो ब्राह्मणों के हाथ में। किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है। सारे लोग पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल ब्राह्मण ही सकता है। मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ, भाई हाँ भाई श्यामलाल कावड़ लेके गए, अरे कि पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। जो नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं, एक्चुअली ये राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये उनकी कठपुतली है बीजेपी की और ये स्टाम्प रबर है, इसलिए इनको बनाया गया कि कुछ कोविंद जी को बना करके देश को लूट लिया था, वो आदमी मूक बना बैठा रहा तो उन्हें एक और कोई शांत बैठने वाला, मूक में रहने वाला, डरने वाला राष्ट्रपति चाहिए था तो बीजेपी ने जानबूझ करके मुर्मू जी को चुना है ताकि वो चुपचाप बैठी रहेंगी और हम देश को बेच देंगे, अडानी अंबानी को देश पूरा दे देंगे, देश को लूट लेंगे, इसलिए ऐसा गुलाम अंधविश्वासी पाखंडी और उनका राष्ट्रपति उन्होंने बनाया। प्रतिनिधि देती है बीजेपी तो दिक्कत होती है, ना दे तो भी दिक्कत है हम लोगों को। नहीं प्रतिनिधि राष्ट्र प्रधानमंत्री का दे ना भाई, प्रधानमंत्री अगर कोई हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी का बना दे ये सारे लोग मिलके तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बनाने की क्या जरूरत है। और वो भी ऐसा व्यक्ति जो झाड़ू लगाता हो मंदिरों में, जो देवी देवताओं की गुलामी करता हो, कभी एससी ओबीसी की आवाज ना उठाता हो, इतना कमजोर राष्ट्रपति जिसने अपने गांव में बिजली न करा पाई हो, ये कमजोर आदमी ढूंढते हैं और उन्हें ढूंढ लिया। कमजोर है, मजबूत है? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। 5 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ देश कोविंद जी बिकवा गए हैं, अब कुछ देश मुर्मू जी बिकवा देंगी, आपको पता चल जाएगा कमजोर राष्ट्रपति है। कहा जा रहा आदिवासी के अधिकारों को बचा पाएंगे? एक्चुअली पूरी दुनिया के आदिवासी कहते थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो ना भाजपा ने ये चाल चली कि ये जो आदिवासी कहने लगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसलिए इन्होंने मुर्मू जी को आगे लाया है ताकि आदिवासी चुप हो जाएंगे राष्ट्रपति बना के। ये उनकी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो अब हिंदू बन जाएंगे सब आदिवासी? नहीं नहीं, वो हिंदू आरएसएस वाले बीजेपी वाले जो हिंदू ब्राह्मण वो तो आदिवासी को हिंदू मानते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे जागरूक आदिवासी ये मांग करने लगे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, अब उनका मुंह बंद कर दिया है राष्ट्रपति मुर्मू को बना करके। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, इस तरीके से कुछ किया जा रहा है? देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका भी शुद्धिकरण किया था इन्होंने। इसके पहले कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, ये जग जाहिर है, तो मुर्मू जी का क्यों शुद्धिकरण नहीं करेंगे? इन्होंने तो गंगा जल से, गंगा यमुना नर्मदे कावेरी जो जो नदियों का पानी होगा सब मुर्मू जी को ऊपर डाला होगा कि शायद वो ब्राह्मण हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के पास कोई ऐसा मंत्र हो जाए जिससे वो आदिवासी से ब्राह्मण बन जाया करे, वो आदिवासी से ठाकुर बन जाया करे, बनिया बन जाया करे, तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन ऐसा उनके पास कुछ है नहीं। लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा उनके पास कोई प्लानिंग नहीं। तो ये आप जो शुद्धिकरण किया गया है इससे क्या बनेंगे, क्या होगा शुद्धिकरण? क्या ये एक्चुअली ब्राह्मण धर्म को थोपने का एक तरीका है, शुद्धिकरण कुछ नहीं है। और बहुत ही स्थिति खराब है देश की, एससी ओबीसी इसमें परेशान है, देश लुट रहा है, महंगाई बढ़ रही है और विदेश लगभग यहाँ से हजारों करोड़ रुपया लेकर के, अरब रुपया लेकर के गुजराती भाग चुके हैं भारत छोड़ करके, और मुझे अंदेशा है कि अगर भारत में कुछ नहीं बचेगा तो अडानी अंबानी भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, अमित शाह नरेंद्र मोदी भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। अबे ये लूट रहे हैं समय, जब कुछ देश में नहीं बचेगा, भाई राजा शासन वहां करता जहां मजे होते हैं,
जब कुछ नहीं बचेगा भारत में, भारत भूखा हो जाएगा, अनाज नहीं होगा, तो आदरणीय मोदी जी भी देश छोड़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर यहाँ बिजनेस ला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो छोड़ भाग सकते हैं। बिजनेस ला नहीं रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि चाइना पर पूरा भारत निर्भर है, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार में एक शब्द बोल दे। चाइना पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब सामान बचा रहा है, बना रहा है, और चाइना अगर अपना व्यापार रोक देगा तो भारत खड़ा हो जाएगा, और अमेरिका पूरा भारत रोक देगा तो गूगल आपका बंद हो जाएगा, जिससे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ये अमेरिका का है, ये पूरा गूगल इनका मैप बंद हो जाएगा। भारत कुछ नहीं बना रहा था, कहाँ, ये तो गाय गोबर बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं, गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, गौशाला बनवाते हैं, गाय का, गाय की बर्फी एक अभी आई, गोबर की बर्फी, अभी एक आदमी ने गोबर की बर्फी बनाई है, वो काफी डायनामिक है। हम तो चाहते हैं कि पहले बीजेपी के लोगों को परोसी जाए वो, और गाय का पेशा भी उन्हीं को पहले पिलाया जाए। मंदिर बनना कुछ नहीं करते? हाँ, ये मंदिर बनाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ भाई, एम्स इन्होंने नहीं बनाया, बड़ा कॉलेजेज इन्होंने नहीं बनाया, कोई आईटीआई नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है, और उस मंदिर का जो एटीएम है वो ब्राह्मणों के हाथ में है, सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, एटीएम ब्राह्मणों के हाथ में, उससे पैसे निकाल करके मजे करेगा, ये ब्राह्मणों के फायदे के लिए सारे काम करेंगे। आप मंदिर को एटीएम कह रहे हैं? हाँ, एटीएम मशीन है भाई मंदिर, आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है, और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है, सारे लोग पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल ब्राह्मण ही सकता है, आप समझिए बात। तो बोध विहार का एटीएम आपके पास? नहीं, हमारा बुद्ध विहार का भी एटीएम ब्राह्मणों के पास है। अच्छा। बोध गया पूरा कब्जा कर रखा है भाई, उसका सेक्रेटरी हिंदू होता है, पूरा मैनेजमेंट में कब्जा करके रखा है, इवन हमारे बुद्ध विहार का भी एटीएम ब्राह्मणों के हाथ में, ये नहीं चाहते कोई और जिंदा रहे। आपका एटीएम भी छीन लिया? आवाज उठा रहा हूँ, मुर्दा लोग हैं हमारे, मरे हुए लोग हैं, इनमें जान है नहीं, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं जगा रहा हूँ कि माना कि दुश्मन हमला कर दे, और अगर आप सो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आप जाग गए हैं तो कम नुकसान होगा, और अगर जाग करके हथियार लेकर के आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन को आप परास्त कर दें। मेरा काम है मरे हुए लोगों को जगाने का। जागे हुए तो हाँ, तमाम लोग सब काम नहीं, कोई जागा हुआ नहीं है, सब अभिमानी है, घमंडी है, जातिवादी है, व्यक्तिवादी है, संगठनवादी है, कोई विचारधारा का पूजक नहीं। बहुजन समाज के लोग अगर विचारधारा को महत्व देते तो आज ये 452 देश पर कब्जा नहीं कर लेते। 452 और क्या, 2-3% लोग पूरे देश पे कब्जा किए हैं, और ये एससी ओबीसी वाले विद्वान बने घूम रहे हैं, ये तो लानत है इन पर। तो शक है आपको विद्वान नहीं है? कोई विद्वान नहीं, काहे के विद्वान है, एक बाबा साहब विद्वान थे, जितना अकेले कर गए उतना ये 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे, काहे के विद्वान है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा जी, आप विद्वान नहीं, काहे के विद्वान है भाई, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है, जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ भाई, हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ भाई, हाँ भाई श्यामलाल कावड़ लेके गए, अरे कि पत्नी नहीं मार रही थी, लड़के को बुखार आ रहा था। तो बताइए, सारा आंदोलन बुद्ध का फेल है भारत में। दिक्कत क्या अगर कावड़ लाने से बुखार उतर जाता है? एक्चुअली इनका जातीय गौरव, इनका जाति, दिक्कत नहीं, बुखार उतरता ही नहीं है, उसका मोनोपोली ये गुलाम है वो, ये जाति गौरव जो एससी ओबीसी वाला है ना, और नेता का गौरव, व्यक्ति गौरव, ये बहुत खतरनाक है, ये जब तक नहीं उतरेगा ये ऐसे ही गुलामी करेंगे। आज ये नौकरी से वंचित हो रहे हैं, कल ये घर से वंचित हो जाएंगे, भोजन से वंचित हो जाएंगे, और जहां से बाबा साहब उठा के इन्हें लाए, पीछे झाड़ू आगे की, ये वही जाने वाले पक्का है। नौकरी किसको चाहिए सर? मुस्लिम टाइट है बिल्कुल। नौकरी मुस्लिम को चाहिए नहीं क्या? वो आदमी नहीं है, उनको भी चाहिए। देखिए, राजा का मतलब ये होता है कि सबको न्याय दे, सबको बराबर हक दे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास करते रहे, और क्या लोग? नहीं नहीं नहीं, वो ब्राह्मणों का साथ दे रहे हैं और अडानी अंबानी का साथ दे रहे हैं। सर, अति पिछड़े प्रधानमंत्री आपके? अति पिछड़े प्रधानमंत्री, मैं पूछ रहा हूँ, राम मंदिर में अति पिछड़े सदस्य कितने हैं? राम मंदिर का जो वो बना है ट्रस्ट बना, उसमें देखिए एक एससी तो रख दिया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर कितने हैं मोदी जी? अति पिछड़े तो हो, बताओ कितने प्रोफेसर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने पीसीएस हैं, कितने जजेज हैं, आपने उच्चायोग में दूत किसको, कितने लोगों को बताया, राष्ट्र भारत का दूत कितने लोगों को बनाया, ये सब
नौटंकी है इनकी, ड्रामाबाजी है। एक मकसद इनका है कि सिर्फ ब्राह्मण यहाँ सर्वोसर्वा रहे और कुछ उनकी जातियाँ आसपास के लोग जिंदा बनी रहें, बाकी सब रोटी के लिए मोहताज हो जाएं, भीख मांगने लगें, ऐसा वो भारत बनाना चाहते हैं। आपने अभी कहा जब वो बुद्धिजीवी हैं तो सर्वोसर्वा रहेंगे ना सर? देखिए हाँ बुद्धिजीवी हैं, सही बात है वो सब। भाई इससे बड़ा और क्या प्रमाण पत्र दूं कि 3% लोग पूरे देश पे कब्जा किए हैं और 85% लोग ढपली पीट रहे हैं विद्वत्ता की, इससे ज्यादा और क्या आपको प्रमाणिकता दें? वो विद्वान है, देश को कब्जा कर रहे हैं और आज दिन तक एससी ओबीसी के पास कोई उनको हराने का, डिफीट करने का प्लान नहीं है। बहुजनों को रास्ता मिल पाएगा या नहीं मिल? कोई रास्ता नहीं। अम्बेडकरवादी ये नहीं, बुद्धिस्ट ये नहीं है, ज्योतिराव फुले को ये नहीं मानते, लोहियावादी ये जयंती मना लेते हैं फिर कावड़ लेने चले जाते हैं। लोहियावादी तो है, लोहियावादी भी नहीं, लोहियावादी परिवारवादी लोग हैं यहाँ। बीजेपी में लोकतंत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता, हमारे एससी ओबीसी की पार्टियों में स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। हाँ वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा हूं, तो ऐसे लोग क्या देश को चलाएं? सब पर निशाना हमारा, जितने एससी ओबीसी के नेता सब पर निशाना मैं करता हूं, सत्य कहता हूं और सत्य के लिए ही मैं जाना जाता हूं। सर आपका प्रोग्राम होने वाला है अक्टूबर में जी लखनऊ में, क्या है पूरी रूपरेखा? देखिए 9 अक्टूबर को हमने जिंदा और मरे हुए लोगों को बुलाया है, जिंदा मरे हुए लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अगर मिलकर की कोई प्रोग्रामिंग हो जाती तो बेल्डन है। उद्देश्य ये है कि जो महापुरुषों का आंदोलन है बुद्ध की विचारधारा, उस पर ये लोग चलने का प्रयास करें, अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं चलेंगे तो स्वीकार गुलामी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका तजुर्बा क्या कह रहा, चलने को तैयार है या नहीं? प्रयास किया जा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं ये अपना काम करता रहूँगा, ये कोई धर्मांतरण नहीं है, घर वापसी है। बीजेपी वाले जैसे घर वापसी आंदोलन चला रहे हैं तो हम भी घर वापसी आंदोलन चला रहे हैं। घर वापसी कहाँ, शुद्धिकरण कर रहे हैं? नहीं, हम शुद्धिकरण भी कर रहे हैं, विचारों का भी कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब तक इनको आप ढोंग और पाठंग पाखंड में फंसे रहोगे तब तक न बच्चे आपके पढ़ पाएंगे न अच्छा आप खा पाओगे। ये अभियान बहुत तेज चल रहा है, बहुत सफल चल रहा है। शुद्धिकरण कैसे होगा घरों का, ये मंच पे तो भाषण देते हैं, घर तो वही है ना सर? देखिए मंच पर ऐसे लोग भाषण देते हैं जो एक भाषण में भारत को बौद्धमय बना देते हैं और फिर वो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाते। ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व तो है धर्म का, समाज का। अगर यहाँ करनी कथनी वाले एक हो जाते तो बहुत कुछ हो जाता। मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को ढूंढने की और आह्वान करता हूँ कि जिनकी करनी कथनी एक हो वो आंदोलन की मुहिम अपने हाथ में लें और इन ड्रामेबाजों पर झूठे बाजे लोगों को भगाने का काम करें। सब चीज की चाबी पत्नी पे, तो पहले पत्नी को ना सुधारा जाए। बिल्कुल, जो पत्नी को नहीं सुधार पा रहे हैं वो लोग धम्म चलाना चाह रहे हैं जी, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। इसलिए ऐसे लोग आए कि जिनके कंट्रोल में घर परिवार समाज हो, वो समाज को दिशा देने का काम करें।